तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, जो फाइनल जो घड़ियां की जो इंतजार की घड़ियां थी कि उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन का शुभारंभ कब होगा, तो उसकी जो तारीख है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है। हालांकि रेलवे अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा है। सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, उनके द्वारा इस चीज़ की पुष्टि हालांकि कर दी गई है। स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आप देख रहे हैं, उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर इस चीज़ को अपलोड किया गया है। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन 31 अक्टूबर को इस चीज़ से जाहिर होता है कि 31 अक्टूबर जो है यहाँ पर इनॉग्रल रन हो सकता है। जिस तरीके से मावली मारवाड़ का पहला रन जो 31 जुलाई को किया गया था और फिर 1 अगस्त से इसको रेगुलर चलाया गया था, तो ठीक उस तरीके से इसका जो इनॉग्रल रन है दोस्तों यहाँ पर शाम को 6:30 बजे 31 अक्टूबर को जो है यहाँ पर असरवा से कर दिया जाएगा और 1 नवंबर से जो है उदयपुर से अपना रेगुलर रन पर रवाना होगी। यानी कि 31 अक्टूबर जो है इसकी फाइनल डेट फिक्स हो चुकी है। इसके बारे में जो भी डिटेल्स निकल करके आएंगी, इसके जो टाइम टेबल निकल करके आएगा, आज शाम तक हो सकता है इस चीज़ का जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर भारतीय रेलवे रिलीज कर दे। सीपी जोशी के द्वारा इस ट्रेन का संचालन जो है शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असरवा रेलवे स्टेशन की ओर से किया जाएगा। साथ ही इस रूट के ऊपर पड़ने वाले जितने भी स्टेशन हैं जिसके ऊपर ट्रेन हॉल्ट लेगी, उन सभी स्टेशनों पर इसका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाना है। हालांकि अभी तक भी इस चीज़ की कोई भी तैयारी जो है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। खास करके डूंगरपुर रेलवे स्टेशन की अगर अपडेट दें तो डूंगरपुर के ऊपर भी ज़्यादा कुछ अपडेट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। फिर भी अगर सांसद की माने तो इस ट्रेन का जो रन है, इस रूट का जो लोकार्पण है, वो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। बाकी जो भी डिटेल मिलेगी आपको आने वाले वीडियोस में, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।